आपको नहीं मालूम है कि कर्ता कौन है, ठीक है, कर्ता कौन है नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे क्रिया को पकड़ेंगे। इस फार्मूले को अपने दिमाग में बिठा लो हमेशा, इस तरह का सेंटेंस में तो ये रामबाण है, ठीक है, कि आपको ट्रांसलेट करने के समय में, वाक्य हिंदी से इंग्लिश बनाने के समय में आपको क्या कहां से शुरुआत करनी, कैसे करनी, ठीक है। आप करेंगे पहले क्या, क्रिया को आप मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। अब मांग बढ़ रही है तो ये क्या हो गया, बढ़ रही है, ये क्रिया हो गया इसके साथ का, ठीक है का साथ में सहायक क्रिया, यहां पे मुख्य क्रिया का काम कर रही है, ठीक है। और उसके बाद में फिर आगे पीछे पीछे हम चलते जाएंगे, एक प्रीपोजिशन मिला यानी कि विभक्ति मिला, क्या की, उसको कवर करते हैं हम हमेशा, किसके लिए आया है वो इंटरनेट के लिए, ये भी कवर हो गया। उसके बाद दूसरा आ गया आपका क्या, मैं, ठीक है, दूसरा क्या आ गया, मैं, हाँ मैं किसके लिए आया है, सभी देशों के लिए, ठीक है, ये इसके साथ कवर हो गया। उसके बाद आया है के, और ये आया है के जो है संसार के लिए, तो सारे कवर हो गए, बच गया क्या, मांग सर, मांग बच गया ना। अब ट्रांसलेट करके कोई बताओ मुझे कि कैसे करेंगे इसको, पता चल गया ना हम लोग क्या करते हैं हमेशा, सिंपल सा ये फार्मूला है ट्रांसलेट करने के लिए सिंपल वाक्य में, जैसा कि ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में आप क्या करेंगे, सिंपली ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, मांग, द डिमांड, क्या हो गया, द डिमांड, ठीक है, पीछे पीछे आते हैं, डिमांड ऑफ इंटरनेट इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कंटिन्यूस में रहेगा सर, वर्ड इज इंक्रीजिंग, हाँ 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 वो तो है ही, बढ़ रही है तो इज इंक्रीजिंग ही होगा, कितना आसान लगा है अभी। वैसे वाकई भी आसान है, समझाने के लिए तो आसान ही एग्जांपल दूंगा ना मैं, रोज रोज आप लोगों को जो ट्रांसलेट कराता हूँ उसमें तो बताता ही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ जितनी आसानी से हम यहाँ कर पा रहे हैं उतना आसान नहीं है इस प्रकार के पैराग्राफ में खोजना ढूंढना और करना, ठीक है, इसीलिए शायद इतनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है। अदरवाइज तो एक बार फार्मूला बताया उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसान अपने आप ही करता रहेगा। लेकिन इस तरह से कंडीशनल वाले वाक्य आ जाते हैं, तोड़ करके आ जाता है, मड़ोड़ के आ जाता है, कोई कहीं पीछे रखा हुआ है, कोई कहीं बाद में आ रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्ता पहले नहीं लिखा है, बीच में भी आप लिख सकते हैं, तरीका वैसा भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस केस में इस तरह से नहीं आएगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ इसको उल्टे तरीके से किया गया है या कर्ता को बीच में कहीं फीड कर दिया गया है, तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक सिंपल और सीधा साधा सा फार्मूला क्या है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक फार्मूला तो ये है, ठीक है। दूसरा आपने जो बताया उनके बीच में क्या आता है, नॉट ओनली क्या बोलते हैं आपका सब्जेक्ट, बट ऑल्सो विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ में भी वही हाल होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, हम जब इस तरह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब इस तरह से हम करते हैं ना तीनों तरह से, तो इन तीनों के बीच में आप देखना ज्यादातर प्रीपोजिशन नहीं के बराबर होता है, नहीं ये होता है, ठीक है, बाकी चीजें प्रीपोजिशन से विभक्ति से जुड़ती है, ठीक। अब इसका ट्रांसलेट करके कोई बताएगा मुझे, इस उद्यान के सभी पौधों की पत्तियां हरी हैं, प्रोसीजर बताना, ट्रांसलेशन तो हो जाएगा, प्रोसीजर बताना, पहले क्या करूं, पहले वर्ब करें हरी है, हाँ ठीक है, हरी है, हरा जो है उसकी, हरा क्या है, एडवर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा है ना, पत्ती का, पत्तियां हरी है, ठीक है यहाँ पे, ठीक। और पहली विभक्ति की, ये किसके लिए है,
सभी पौधों के लिए, ठीक है। उसके बाद में आ गया के, के आ गया इस उद्यान के लिए। अब बच गया क्या, लीव्स, ठीक है। तो द लीव्स ऑफ ऑल प्लांट्स ऑफ दिस गार्डन, पार्क भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द लीव्स ऑफ ऑल प्लांट्स ऑफ दिस गार्डन आर अप, अप। देखो ये सारा पार्ट आ गया ना, इसके पहले का जितना भी पार्ट है पीछे का, ये आ गया सब कुछ। उसके बाद में देखो ये सारे क्या है, सब्जेक्ट के पार्ट हैं, उसी की विशेषताएं बता रहे हैं। उसके बाद में आ गया आपका वर्ब आर, और उसके बाद में क्या है, ग्रीन, हरी है ना, कैसी है, हाँ। तो कितना सरल हो गया ट्रांसलेशन। वैसे टेंस वाले वाक्यों में भी यही फार्मूला मैं आप सबको बताते रहा हूं, लेकिन वहां पे स्पेशली ये ध्यान देना आप लोगों ने कि हम पीछे पीछे तो चल के आते हैं, लेकिन जहां पे हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट है क्लियरली, तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले लेना चाहिए, उसके बाद में अदर वर्ड्स को लेना चाहिए, ठीक है। अब हो गया है यहाँ तक, अब बढ़े ट्रांसलेशन की ओर। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे थे कर लिए होंगे, हाँ ठीक है। ये दोबारा मैंने इसलिए आप सबको बताया क्योंकि ये तो मैं पहले बता चुका था, जिनको याद है शायद वो अभी तक याद होगा उनको, और जिनको नहीं था उनको रिवाइज हो गया होगा, ठीक। और फाइनल कंक्लूजन इज एस, हाँ ठीक ठीक है। हमारा अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार है, अवर फाइनल कंक्लूजन इज एस अंडर, ठीक है, इस प्रकार है। इसका तो इतना बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब देखिए कथन आगे क्या बोला है। यदि उक्त रकम या उसके किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको उक्त रकम या उसका किसी भाग संदेह है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को आरंभिक अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय को, जिसके अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह भूमि स्थित है, निश्चय के लिए निर्देशित करेगा। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, ठीक है, प्रधान वाक्य उपवाक्य सब कहां समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। चलिए पहली कंडीशन क्या हो गई, कोई विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है। एक तो है संदेह है, ये बीच में आ जाएगा, कोई भाग संदेह है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस, सिंपल प्रेजेंट का है ना जी, होता है ता है ती है ते है, तो इसलिए हमने अराइजेस लिख दिया। If any, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, if any dispute arises, अब हमने तो ये final sentence यहाँ लिख दिया, आगे क्या, as to the said amount or any, उक्त रकम या उसके किसी प्रभाग के प्रभाजन के बारे में, एक वर्ड इसमें है apportionment, ठीक है, किसके लिए, प्रभाजन के लिए, ठीक है। as to about apportionment of said amount, ये पहले आएगा ना, apportionment पहले आएगा ना प्रभाजन के बारे में। If any dispute arises as to about the apportionment of said amount or any part
देयर ऑफ उसके उसके किसी भाग, ठीक है, उसके किसी भाग के बारे में, ठीक है, अपॉर्शनमेंट ऑफ सेड अमाउंट आर एनी पार्ट देयर ऑफ, यहां तक हो गया। और या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको उक्त रकम या उसका किसी भाग संदेह है, आर अबाउट के बारे में बोला है ना, इसलिए अबाउट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आर सॉरी आर एस टू भी तो लिखना पड़ेगा, एस टू ठीक एस टू ठीक है, ठीक है, दोनों नहीं आएगा, एक ही आएगा, दोनों यहां भी लिख दिया क्या मैंने, एस टू ठीक है, एस टू द as to the apportionment of said amount or any part thereof or as to any person or as to any person या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको उक्त रकम या उसका किसी भाग संदेह है, or as to any person to whom जिसको देना है ना, to whom said अमाउंट आर एनी हाँ टू ओम ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जिसको उक्त रकम या उसका किसी भाग संदेह है, आर एनी पर्सन टू ओम सेड अमाउंट इज पेबल, या पहले ये आएगा सेड अमाउंट आर आर एनी पार्ट देयर ऑफ is payable, ठीक है, is payable, कॉमा हो जाएगा यहां, ठीक है, संदेह है कोई विवाद उत्पन्न होता है तो के लिए हमें आगे कॉमा, तब क्या होगा, सक्षम प्राधिकारी विवाद को आरंभिक अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय को जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह भूमि स्थित है विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा, ठीक है, तो ये विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा, देखिए इसको अभी कैसे जमाते हैं हम लोग, तो सक्षम प्राधिकारी देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द डिस्प्यूट पहले आएगा ना, विवाद को किसको करेगा, विवाद को देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विवाद को आरंभिक अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय को क्या करेगा, द डिस्प्यूट यहां से नहीं शुरू होगा, द डिस्प्यूट प्राधिकारी से शुरू होगा क्योंकि वो सेट कर रहा है, सक्षम प्राधिकारी यहाँ पे वही बात है जो हमने बोला, किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी किसको, विवाद को, तो ये तो हो गया आपको आपका कर्म हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका कर्ता, सक्षम प्राधिकारी हो गया कर्ता और विवाद हो गया कर्म, आरंभिक अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय को इसको भेजेगा जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह भूमि स्थित है निश्चय के लिए निर्देशित करेगा, द डिस्प्यूट सेल बी निर्देशित करेगा कि क्या है, सेल बी डायरेक्टेड सेल बी सेल बी रिफर्ड टू सक्षम हाँ लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उपाय का क्या इस्तेमाल है, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्यूटेंट अथॉरिटी करता है, हाँ आ गया ना सक्षम प्राधिकारी,
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अथॉरिटी रिफर ही यूज करेंगे, सेल रिफर, सेल रिफर, क्योंकि वर्ब हमें लेना पड़ेगा ना जब हमने कर्ता ले लिया ना। ठीक है, अभी क्या बताया मैंने, जैसे हमने कर्ता ले लिया, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अथॉरिटी, आगे आपका सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेल रिफर निर्देशित करेगा। ठीक है, वर्ब आ गया आपका सेल रिफर, अब किसको करेगा, मैंने बोला था अभी क्या कि जो आपका कर्म है उसको इमीडिएटली आफ्टर वर्ब लेना पड़ेगा, जैसे हमारा फार्मूला में आता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेल रिफर द डिस्प्यूट, इसको हमें लेना पड़ेगा ये कर्म। ठीक है, विवाद को, ठीक है, सेल रिफर द डिस्प्यूट, अब आ जाएगा किसको भेजा, ये वाला को, ठीक है, टू किसको भेजा, टू द टू द, नहीं नहीं ऐसे आरंभिक अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, हाँ रखने वाले के लिए आपका आप सही वर्ड बोल रहे हो, हैविंग सिविल कोर्ट, हैविंग हैविंग इनिशियल इनिशियल क्या ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह भूमि स्थित है। हाँ, अब आगे बताएं, टू द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट हैविंग इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन अंडर विच, अंडर विच जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर, अंडर विच द अंडर विच, अंडर विच अंडर विच ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन अंडर विच ज्यूरिसडिक्शन, अंडर 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 द लिमिट्स, अंडर लिमिट लिखेंगे या रेंज लिखेंगे जी, रेंज लिमिट, लिमिटेशन तो ठीक नहीं है वर्ड, अंडर द लिमिट या रेंज ऑफ, रेंज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, भीतर लिखा है ना, ठीक है विधि लिख दीजिए, इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन यहाँ एक वर्ड कुछ आना है, ठीक है क्या वर्ड आना चाहिए, बीच में ऐसे गैप नहीं होगा, विद इन द, ठीक है आप वो विद इन द रेंज ऑफ, और ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ आएगा रेंज ऑफ वॉज ज्यूरिसडिक्शन, हाँ द क्या है, कौन भूमि स्थित है, द हाँ भूमि स्थित है क्या होगा जी, द लैंड सिचुएटेड, द लैंड इज सिचुएटेड, ठीक है, हाँ अब बच गया है क्या आपका फॉर, असली तो छूट गया है, इसके बिना सेंटेंस खराब हो जाएगा, फॉर डिसीजन, ठीक है, यहां कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा आप लोगों को, ये वाला छूट जाएगा अगर फॉर डिसीजन तो सेंटेंस ही पूरा धराशाई हो जाएगा, मेन बात तो यही है ना, निश्चय के लिए भेजेगा, लेकिन
वर्ब के चलते हमने क्या किया, वर्ब को पहले ले लिया, ठीक है, शैल रिफर। अभी बताइए इस पैराग्राफ को, इतने सेंटेंस को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा था, क्या ये ट्रांसलेट हो पाएगा इतनी आसानी से बिना प्रैक्टिस के, ठीक है। हाँ, अभी सिंपल सी बात है, इसमें देखिए सक्षम प्राधिकारी के पास सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियां होती है, कॉमा दे दिया तो हम यहां तक से बना लेते हैं। अब इसमें सिंपल सी एक बात हम लोगों को पता चल रही है, क्या पहली बात तो यह है कि जो आपकी क्रिया है होती है, ये क्या बता रही है आपको कि ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, ठीक है। और हमें ऐसा भी पता चल रहा है कि अधिकार में होता है कुछ चीज, तभी भी हम उसके लिखते हैं कि उसके पास में है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां पता चल रहा हैज होना है, उसके पास में है मतलब हैज आना है। तो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज क्या हैज सर्टेन, सर्टेन भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ शक्तियां हैं ना, हैज सर्टेन पावर्स ऑफ क्या, सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट, ठीक है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज सर्टेन पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, हो गया ना यहां तक का। देखिए अभी हमने क्या आप लोगों को फार्मूला बताया, होती है, उसके पास में होने का भाव आ रहा है ना, होती है कुछ शक्तियां सिविल न्यायालय की के पास, सक्षम प्राधिकारी, ठीक है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो के पास है ये बता रहा है क्या कि उसके पास में है, ठीक है, इन पोसेशन है वो, इसी वजह से हैज करके, और ये सिंपल प्रेजेंट का है इस वजह से भी हैज आना है, हैज सर्टेन पावर्स। लेकिन हैज के बाद यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल नहीं होगा, यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है हैज आने का वो ये है, ठीक है ना, किसी के पास में कोई चीज होता है तब हम बोलते हैं ही, जैसे उस दिन मैंने पढ़ा था ही हैज थ्री काउस, उसके पास तीन गायें हैं, ठीक है, तब क्या बोलते हैं हम, हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लूरल वाला अगर ना करता होगा सब्जेक्ट होगा तो हैव आ जाएगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है, ये इस वजह से आ रहा है कि उसके पास में है बताने के लिए, ठीक है, ओके हाँ, यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। लेकिन बट हाँ, आगे क्या है, लेकिन उपरोक्त प्रकृति के विवाद की स्थिति में, बट इन केस ऑफ, नहीं उल्टा होकर दिया आपने, इन केस ऑफ उपरोक्त प्रकृति के विवाद की स्थिति में, इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ, ऐसे आएंगे ना, डिस्प्यूट ऑफ अबो नेचर, ऐसे हो जाएगा, बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ अबो नेचर, धारा तीन ज की उपधारा तीन के संदर्भ में राय देने के सक्षम प्राधिकारी ने, क्या है प्राधिकारी ने, एक ही होगा ना, ने होगा या मैं होगा, डबल लिखा गया मेरे से, क्या है, कौन सा है, संदर्भ में राय देने की सक्षम प्राधिकारी में निहित है, सक्षम प्राधिकारी में निहित संक्षिप्त शक्ति, हाँ संक्षिप्त शक्ति क्या है भाई, ये नया कुछ वर्ड जैसे लग रहा है, हाँ इम्प्यून पावर, इम्प्यून तो होता है जिसकी आलोचना करते हैं उसको ना, आक्षेपित या वो बोलते हैं आप लोग आलोच्य, वो होता है। संक्षिप्त शक्ति क्या होगा, या तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट पावर नहीं है, कॉन्साइज, ये ठीक रहेगा क्या, बाकी बच्चे भी बताओ भाई, थोड़ा पार्टिसिपेट करो यार, यहाँ पे इसका डिसीजन नहीं हो पा रहा है भाई, ये संक्षिप्त शक्ति क्या है, कॉन्साइज पावर है या शॉर्ट पावर है या समरी पावर है, हैं
लिमिटेड पावर, लिमिटेड, चलिए लिमिटेड मान लेते हैं, में निहित संक्षिप्त शक्ति। लिमिटेड का मतलब सीमित शक्ति हो जाता है ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लिमिटेड पावर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पास सीमित है, मतलब वो उससे आगे वो कर नहीं सकता, ऐसा हो जाएगा, है ना। यहां पर थोड़ा ही है पर ये कर सकता है, लिमिटेड में थोड़ा है जिसकी वजह से वो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मान सकते हैं लिमिटेड पावर। चलिए ठीक है, बाकी बच्चे बताओ भाई क्या है, कौन सा बेस्ट वर्ड है आप लोगों के लिए यहां पे, बाकी और लोग पार्टिसिपेट करिए। लिमिटेड पावर, शॉर्ट पावर, कंसाइज पावर, विच वन इज सुटेबल मोर? कंसाइज, कंसाइज पावर या लिमिटेड पावर, चलो ये भी अच्छा वर्ड लग रहा है मेरे को, लिमिटेड पावर थोड़ा सा संकीर्ण लग रहा है ये, ठीक है। धारा तीन जो की उपधारा तीन के संदर्भ में राय देने के सक्षम प्राधिकारी में निहित संक्षिप्त शक्ति उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी। अभी इसमें ढूंढो, ये आपका आ गया उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी, नहीं करना, ये आ गया आपका वर्ब, ठीक है। बाकी आगे आपका कर्ता कौन है, सक्षम प्राधिकारी में निहित संक्षिप्त शक्ति। डिस्प्यूट ऑफ अबो नेचर, ठीक है, यहीं से आना है। हाँ जी, कौन सा ही पावर लिख दे, ठीक है चलिए। द लिमिटेड पावर बोलने से सही नहीं लग रहा है ना, द कंसाइज पावर वेस्टेड, वेस्टेड इन द, वेस्टेड इन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी द कंसाइज पावर वेस्टेड इन द, निहित है ना, निहित के लिए वेस्टेड, ठीक है, वेस्टेड इन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओपिनियन, या वेस्टेड इन द ओपिनियन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, राय देने के सक्षम, राय देने के लिए सक्षम, टू गिव एन ओपिनियन अथॉरिटी, राय देने के लिए बोल रहा है ना, तो टू गिव, टू गिव एन ओपिनियन, राय देने के लिए सक्षम बोल रहा है, तो टू गिव एन ओपिनियन विथ रिफरेंस टू, के संदर्भ में है ना, विथ रिफरेंस टू, के संदर्भ में, विथ रिफरेंस टू सबसेक्शन, इंग्लिश में ये वाला पहले आ जाएगा है ना, सबसेक्शन थ्री ऑफ सेक्शन थ्री, जे को क्या लिखेंगे, जे, थ्री जे, जे होगा तभी जे लिखा है, हाँ। अब क्या, उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी, वुड नॉट, वुड नॉट सर्व द पर्पस, पर्पस वुड नॉट सर्व द पर्पस, अभी देखिए यहाँ पे कठिनाई ये आ रही है
कि ज्यादातर हम लोगों को यही दिक्कत आता है कि हम ट्रांसलेशन करने बैठेंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ हम बार बार यहीं आ रहे थे, यहाँ से फिर पीछे चले गए, आगे आगे फिर पीछे गए, लेकिन शुरुआत यहीं से था। उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी, ठीक है, वुड नॉट सर्व द पर्पस। लेकिन उससे पहले आपका जो क्या है, ये कॉन्साइज पावर वेस्टेड इन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव ओपिनियन विथ रिफरेंस टू, वैसे आसान है अगर एक बार समझ में आ जाए ना कि कहाँ से हमें चलना है, किधर से आगे चलना है, किधर से पीछे चलना है, तो आसान हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।